भाई गाड़ी तो हमारी सेल हो गई है और अभी हम लोग इस टाइम दूसरी गाड़ी देखने के लिए जा रहे हैं, होंडा सिविक। तो आप लोग साथ रहना। तो यार ये वो गाड़ी, ये होंडा सिविक 2001 मॉडल, और ये गाड़ी जो है इस भाई की है। ये अभी हमें मिली कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। तो आप मेरी वीडियोस देखते हो ऐसा ही है, और फिर आपको नंबर मिल गया वहाँ से वीडियो से, तो आपने मुझे मैसेज किया और गाड़ी का बताया। तो यार ये गाड़ी जो है इन्होंने मुझे शायद एक महीना पहले भी इसकी तस्वीरें भेजी थी, लेकिन तब हमारे पास गाड़ी थी और हम लोग तब नहीं ले पाए। लेकिन अभी हम आए हैं गाड़ी चेक करने। महारत तो यार इस गाड़ी की ये कि अंदर इधर पार्किंग आई कैसे, उस तरफ तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, यहाँ पर फिर भी है। अंकल ने पार्क किया, अंकल कैसे किया आपने पार्क की गाड़ी? बस हमने तो भाई यहाँ मजदा ही 2200 हाईएस्ट तक खड़ी की अंदर। इधर इधर हाईएस्ट भी खड़ी होती है अंकल? जी पहले खड़ी की है, मेरे पास थी पहले। अच्छा ये अंकल फिर भी गली जो है थोड़ी सी तंग है, सिस्टम समझ में आ जाता है आपको? अल्लाह का शुक्र है भाई। हाँ चलो आपकी गाड़ी चेक करते हैं भाई। ये 2001 है और इसमें सनरूफ भी है और ये ऑटोमेटिक है, बाकी तो अभी चेक करने के बाद ही पता लगेगा। फुल वर्किंग में, सनरूफ भी वर्किंग में, एसी भी चिल्ड काम करता है इसका। अच्छा अल्लाह का शुक्र है। सही सही। और बॉडी में अंकल टचअप क्या क्या है इसका? बॉडी में इसका ये फेंडर टचअप है जी, ये बोनट टचअप है, बाकी आपके सामने है गाड़ी। बाकी ये छत पिलर और डिग्गी जेन्युइन है इसकी, बाकी तो जेन्युइन लग रहे हैं भाई। सही सही। अब अंकल ये निकल जाएगी यहाँ से या नहीं निकलेगी? क्यों नहीं निकलेगी, जब अंदर आइए तो निकल जाएगी, निकलेगी नहीं। सही सही सही। चलो बाबा आप गाड़ी चेक करो। भाई गाड़ी की बॉडी तो ठीक है, अबू ने चेक कर ली है, बाकी भी करते हैं, लेकिन अभी जो अंकल गाड़ी स्टार्ट करेंगे मेरे ख्याल से इस तरह से जाएंगे ना अंकल आप? हाँ इस तरह से जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये देखो मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है। पापा ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है? मसला ये है, ये भाई जो है तजुर्बेकार बंदा है, पुराना बंदा है, मुझे लग रहा है इसने गाड़ी यहाँ पार्क कर ली है। हमसे नहीं होगी, हमसे तो नहीं होगी भाई। स्टार्ट हो गई है भाई गाड़ी, अभी इंजन उंजन चेक करते हैं इस गाड़ी का। पानी है अंकल इसमें पूरा? पानी है, पानी है, पानी है। ओके इंजन बाकी इस गाड़ी का चेंज है भाई। इंजन वगैरह गाड़ी का चेक कर लिया है, एसी भी चेक कर लिया है और बॉडी भी इसकी चेक कर ली है। अब जो काम है वो है इस गाड़ी का फाइल चेक करना है, और उसके अलावा जो बाकी गाड़ी ड्राइव वाइव कर लेंगे तो बाकी समझ में आ जाएगा। अंकल तो बोल रहे हैं कि भाई हम गाड़ी इस्लामाबाद भी लेके गए, गाड़ी ओके है, ऐसा होगा? हाँ वो भाई तो कह रहे हैं कि भाई ये दो मरतबा इस्लामाबाद होके आइए, आप इसको भले लारकाना ले जाओ तो ले जाओ। चलो ठीक है भाई। तो यार जिनसे हम लोग ये गाड़ी लेने आए थे सिविक, इनके पास एक और गाड़ी है मेरे ख्याल से डांसिंग कार है। अब भाई थोड़ा बताओ इस डांसिंग कार में इसमें क्या चक्कर है? इसमें चक्कर ये है, इसके बहुत बहुत ये ओरिजिनल शागर है, और अच्छा। इसमें एक पाकिस्तानी आती है नुसान सनी भी 12 में, और ये जापानी है। इसमें जापानी क्या है? इसमें ये जापानी है, इसमें पाकिस्तानी भी आती है डांसिंग कार। अच्छा ये शौक से इसमें ऐसे हैं? ये डांसिंग कार है। मतलब फिर पापा ये तो रोड पे चलेगी तो पूरी रोड पे क्या ये यूज तैरेगी? अच्छा और इसका क्या अभी आपने कुछ सोचा कि इसको बनवाना है नहीं बनवाना है? मॉडिफाई करेंगे भाई। अच्छा भाई मॉडिफाई करेंगे, क्या सोचा है भाई इसमें क्या मॉडिफाई करोगे? इसमें इंजन स्वैप करना है। कौन सा देखने अभी तो जिस बारे में आएगा। अच्छा फिर कलर वलर नहीं कराओगे इसको? कलर होगी, कलर तो यार ये बिल्कुल होगी ना, कौन सा कलर करवाओगे? कैंडी रेड कलर होगा, कैंडी रेड कलर करवाओगे। और बाकी इंटीरियर में कोई काम हम तो नहीं ना गाड़ी के? इंटीरियर भी इसका चेंज होगा पूरा, फिर तो यार बड़ा खर्चा आएगा इस पे। इसमें अंदर पूरा बनवाना है, कस्टमाइज करवानी है। अच्छा वैसे सही है। क्या पैसे सोचे हैं, कितना मतलब बजट रखोगे? देखिए तो इंटीरियर मेरा यहाँ तो ख्याल बगैर इंजन के तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए है। 2.5-3 लाख आराम से लग जाएंगे, और फिर जो है ना गाड़ी तुम्हारी फुल प्रोजेक्ट बन जाएगी। इसमें एग्जॉस्ट वगैरह लगाओगे, कट ऑफ लगाओगे, स्ट्रेट वाइपिंग। अच्छा गाड़ी सीख गए हो आप, चला रहे हो अभी, चलने की कंडीशन में ऐसे ही है? नहीं नहीं स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, भी ये स्टार्ट है भाई। ठीक है तो अभी इनसे हमारा ऑलमोस्ट सौदा हो गया गाड़ी का, थोड़े पैसों में अभी सिस्टम है। अभी अगर भाई मतलब डन करेंगे तो फिर हम इनके पास पैसे लेकर आएंगे। पोए वाले नहीं गाड़ी भाई। अभी आप एक काम करो, हम भी जा रहे हैं घर पे, आप अपने अबू से पूछो डन करो, फिर हम दोबारा आते हैं। ठीक है ओके ओके ओके। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। पापा आपको गाड़ी कैसी लगी? गाड़ी सही थी, बॉडी वाइज सही थी, इंजन वाइज सही थी, और बड़ी बात यह कि लोग भी अच्छे थे। तो यार देखते हैं इस गाड़ी का सौदा होता है या नहीं। नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप लोग हमारे साथ रहना।